हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास ट्वेल्थ का जो आज इकोनॉमिक्स का होमवर्क आया, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है परिचय और टॉपिक है वस्तुओं व सेवाओं का अर्थ। तो इसमें पहला प्रश्न है, वस्तुएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, भौतिक मूर्त वस्तुएं जिनका उपयोग लोगों की इच्छाओं व आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है उन्हें वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, कपड़े। दूसरा है, सेवाओं के उदाहरण लिखिए। तो सेवाओं के उदाहरण में जैसे कि चिकित्सक व अध्यापक के कार्य, ये एक प्रकार की सेवाएं हैं। तीसरा है, व्यक्ति विशेष से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, व्यक्ति विशेष अर्थात निर्णय लेने में सक्षम इकाई। यह व्यक्ति विशेष कोई अकेला व्यक्ति, परिवार, समूह, फर्म अथवा अन्य कोई संगठन हो सकता है। चौथा है, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन करने में साधनों संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भूमि संसाधन, पूंजी संसाधन, औजार, मशीनें आदि। पांचवा, संसाधनों का विनिधान से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के लिए किस संसाधन को कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, इसे साधनों का विनिधान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज जो आपका क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का होमवर्क आया कंप्लीट होता है। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।